ये कहानी है सर्बिया की। शीला पेशे से एक नर्तकी थी। अमीर घर के होने के कारण हमेशा से उसके माता पिता उसके नर्तकी होने के खिलाफ थे। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, ये काले कारनामे बंद कर दो, लेकिन तुम हो कि अपने जिद पर अड़ी हुई हो। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उफ डैडी, मैं नाचूंगी। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मेरे पैरों को कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है फिर, इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना सामान बांध लो और यहाँ से चली जाओ। शीला अपने घर से गुमनाम अंधेरी रात में निकल गई। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। शीला इस बात से डर चुकी थी। उस घोर अंधेरे में शीला की नजर एक जवान लड़के पर पड़ी, जो रास्ते के बीचों बीच खड़े होकर अजीब तरीके का नृत्य कर रहा था। जिसे देखकर शीला चौंक गई। वो चीखने ही वाली थी कि उस जवान लड़के की नजर शीला पर पड़ी। शीला को देखते ही वो उसका पीछा करने लगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ठहरो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें देखकर उत्सुक हो गया और तुम्हारा पीछा करने लगा। ऐसा भी कोई पीछा करता है भला? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बीच सड़क पर नाच रहे हो? तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़कर आ रही हूँ। शीला ने जॉर्डी से दोस्ती कर ली। शीला ने देखा कि जॉर्डी एक हैंडसम और नौजवान व्यक्ति है, जिसे देखकर उसका मन ललचासा उठा। वैसे तो मैं स्ट्रीट डांसर हूँ, घर चलाने के लिए कभी कभार छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। अरे वाह, डांसर तो मैं भी हूँ। वो दोनों आपस में काफी घुल मिल गए, यानी हर रास्ते या चौराहे पर दोनों एक अजीब किस्म का नृत्य करने लगे। इस बात की खबर शीला के माँ बाप को मिली। उस लड़की से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, हाथ से निकल गई है अब वो। उस लड़के के दम पर शीला गुल छर्रे उड़ा रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी। शीला की माँ ने जॉर्डी के खिलाफ साजिश रची और अपने दो गुंडे भाइयों को जॉर्डी का कत्ल करने के लिए भेज दिया। आज कितनी सुहानी रात है ना? इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत तुम नजर आ रही हो। क्या कहा, सच? चांद से ज्यादा खूबसूरत? लेकिन मैं चांद तुम्हें क्यों कहूँ, चांद पर तो लोग जूते पहनकर जाने लगे हैं। शीला और जॉर्डी आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ शीला के दोनों गुंडे मामा आ गए और उन्हें एक दूसरे के बाहों में झूमता देख उनका खून खौल उठा। चलो तो मेरे साथ डांस करो, आज मैं तुम्हारी फेवरेट डांस करके दिखाऊंगी, सर्बियन डांस। शीला और जॉर्डी नाचने लगे। दोनों गुंडे उन्हें चुपचाप देख रहे थे। सर्दी की रात थी, दोनों एक दूसरे के आगोश में आ गए। जैसे ही दोनों गले मिले, शीला के मामा ने अपनी खूंखार तलवार निकाली और जॉर्डी के सर पर वार कर दिया। जॉर्डी का सर उसके धड़ से अलग हो गया। सारे खून के छींटे शीला के चेहरे पर जा गिरे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शीला अपने प्यार की लाश को देखकर बेहोश हो गई। शीला को जबरदस्ती घर में रस्सी से बांध कर रखा गया। शीला जॉर्डी का हादसा भूल नहीं पा रही थी और शीला ने उसी रस्सी से अपनी जान जॉर्डी के नाम कुर्बान कर दी, यानी उसने आत्महत्या कर ली। घर की दीवार पर लिखा, मेरी मौत का कारण मेरा परिवार है। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। शीला की लाश को उसके माता पिता ने बिना किसी विधि के ही दफना दिया। क्या फायदा ऐसी बेटी का जो हर जगह आवारा गर्दी करती हो। ऐसी बेकार औलाद भगवान किसी को ना दे, इससे भला तो ये है कि उन्हें बिना औलाद के ही रखे। कुछ दिन बीत चुके थे। शीला और जॉर्डी की प्रेम कहानी खत्म हो चुकी थी। एक दिन रॉबर्ट अपने बाइक से अपनी पत्नी के साथ उसी चौराहे की तरफ जा रहा था जहाँ शीला और जॉर्डी नाचा करते थे। रॉबर्ट अपनी पत्नी कैरल के साथ जा ही रहा था कि एक भयानक शक्ल की औरत उसके गाड़ी के सामने आ गई। रॉबर्ट से गाड़ी संभल ना सकी और गाड़ी पेड़ में जा टकराई। आप गाड़ी देखकर नहीं चला सकते क्या? हमें कुछ हो जाता तो? अरे तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है। चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलो, यहीं पास में सिटी हॉस्पिटल है, जल्दी चलो। कैरल अपने पति रॉबर्ट को लेकर सिटी हॉस्पिटल चली गई। रॉबर्ट की आंखों के सामने बार बार वही महिला आ रही थी। हॉस्पिटल में जाकर रॉबर्ट ने अपने सर पर पट्टियां बंधवाई और बाहर की तरफ देखने लगा। उतने में उसकी नजर उसी औरत पर पड़ी जो ठीक एक लाइट के खंभे के नीचे अजीब तरीके का नृत्य कर रही थी, वैसा ही जैसा शीला और जॉर्डी नाचा करते थे। जिसे देखकर वो एकदम डर सा गया। कैरल, कैरल, ये देखो, ये देखो।
नीचे एक औरत नाच रही है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? कौन सी औरत रॉबर्ट? नीचे तो कोई नहीं है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? रॉबर्ट अपनी आंखें मीच कर दोबारा उस जगह पर देखता है, उसे तब वहाँ पर कुछ नजर नहीं आता। कैरल उसकी मरहम पट्टी करवा कर उसे घर ले जाती है। हो ना हो उस लड़की का मुझसे कोई नाता जरूर है, वो मुझे अपने आप ही क्यों नजर आ रही है? रॉबर्ट अपने बालकनी में खड़े होकर घर के बाहर देखने लगा और जैसे ही उसका ध्यान नीचे गया, उसने देखा कि वही औरत वहाँ पर एक अजीब तरीके का डांस कर रही है और उसकी लाल आंखें रॉबर्ट की तरफ ऊपर देख रही हैं। कैरल, कैरल, ये देखो। क्या हुआ? आप इतना चीख क्यों रहे हैं? वो देखो, नीचे वही औरत है जो हमारी गाड़ी के सामने आई थी। कैरल ने नीचे की तरफ झांक कर देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। उतने में उनके घर का दरवाजा जोर जोर से कोई खटखटाने लगा, जिसे सुनकर दोनों बेहद डर गए। दरवाजा इतनी तेज कौन पीट सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरो मत, मुझे दरवाजा खोलकर देखने दो। रॉबर्ट जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगा, उस दरवाजे को तोड़कर शीला यानी कि वही सर्बियन डांसिंग लेडी अंदर आ गई, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी डर गए। रॉबर्ट डर के मारे चीखने लगा। कैरल उस चुड़ैल को देखकर बेहोश हो गई। बचाओ, बचाओ! और तुम कौन हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें इसलिए मारने आई हूँ क्योंकि तुमने जाने कितने प्यार करने वाले जोड़े का घर तोड़ा है। तुम एक डिवोर्स लॉयर हो। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मुझे मत मारो, मेरी पत्नी का मेरे सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। रॉबर्ट चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन शीला ने उसकी बातें नहीं सुनी। अचानक शीला के शरीर की हड्डी चटकने लगी, उसके लंबे बाल चेहरे के सामने आ गए, आंखें एकदम लाल हो गईं। शीला ने अपने पंजों से रॉबर्ट की आंखें निकाल फेंकी। कैरल उस वक्त बेहोश हो चुकी थी। जब वो होश में आई तो अपने पति रॉबर्ट की लाश को देखकर एकदम चौंक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ लॉर्ड, ये सब क्या हो गया? कैरल अपने पति की लाश के सामने रो ही रही थी कि अचानक उसका शरीर हवा में उड़ने लगा, उसके शरीर की हड्डियां चटकने लगी, पूरे बाल बिखर गए, आंखें एकदम लाल हो गईं। तब से लेकर अब तक कैरल शीला की तरह ही रास्ते में नाचते हुए नजर आती है। कई बार लोगों ने कैरल को आधी रात को बीच रास्ते में नाचते हुए देखा है। अगर आपने भी सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कुकू टीवी हॉरर को सब्सक्राइब करिए। खटीमापुर गाँव में मीरा अपने पति रोहन के साथ रहती थी। एक दिन काफी रात हो जाने पर भी रोहन घर नहीं लौटा। मीरा बार बार रोहन का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। मीरा परेशान होकर पड़ोस वाली शांति के घर जाती है। शांति दीदी, मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे हैं, ना ही उनका फोन लग रहा है। क्या तुम्हारे पति मनोहर अस्पताल वाले रोड से लौटते हैं? हाँ, क्या हुआ? जल्दी चलो, मैं भी गाड़ी निकालती हूँ। लेकिन हुआ क्या? अस्पताल वाले उस रोड पर रात में एक आत्मा भटकती है। ऐसा सुनते हैं कि वो आत्मा लोगों का दिल निकाल लेती है। शांति और मीरा कार से राम मनोहर अस्पताल वाले रोड की तरफ निकलते हैं। उधर रोहन के अस्पताल वाले रोड पर कार खराब होती है। ये रोड कितना सुनसान है, किससे हेल्प मांगूं? फोन में बैटरी भी खत्म हो चुकी है। तभी आत्मा रोहन के सामने आती है। तेरी गाड़ी मैंने खराब की है, अब मैं तेरा दिल निकालूंगी। रोहन डर से बेहोश हो जाता है। आत्मा रोहन के सीने में हाथ डालकर रोहन का दिल निकालने ही वाली होती है कि तभी मीरा और शांति कार से वहां पहुंच जाते हैं। शांति चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देती है। आ जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वापस आऊंगी। ऐसा कहकर आत्मा वहां से चली जाती है। मीरा रोहन के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। रोहन को होश आ जाता है। तीनों लोग घर पहुंचते हैं। दीदी, वो आत्मा लोगों का दिल क्यों निकालती है?
8 साल पहले की बात है। मनोहर अस्पताल वाले रोड पर एक नवविवाहित जोड़े का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की किसी तरह लड़के को अस्पताल लेकर पहुंची। लड़का जिंदा था, लेकिन डॉक्टर्स ने चालाकी कर ली। डॉक्टर्स ने लड़के को मृत घोषित कर दिया और लड़के का दिल निकालकर अंग तस्करों को बेच दिया। लड़की ने अस्पताल वालों पर केस किया, लेकिन केस हार गई। अपने पति को खोने और न्याय ना मिल पाने के कारण लड़की ने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा उस अस्पताल वाले रोड पर भटकती है। वो अस्पताल की 2 डॉक्टर्स को मार चुकी है, 3 अभी बाकी हैं। उन तीनों ने अपने घर पर तांत्रिकों का पहरा लगवा रखा है। अब जो भी उस अस्पताल वाली रोड पर फंस जाता है, आत्मा उसका दिल निकाल लेती है। चलो, बहुत रात हो गई है, अब मैं सोने जा रही हूँ। शांति अपने घर सोने चली जाती है। मीरा और रोहन अपने घर आकर सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद मीरा अचानक से उठ जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। रोहन घबराकर उठ बैठता है। मीरा, मीरा ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मीरा टेबल पर पड़ा चाकू उठाती है और रोहन पर हमला करने के लिए दौड़ती है। तू उस समय तो मुझसे बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। रोहन दौड़कर कमरे से बाहर जाता है और मीरा को कमरे में ही बंद कर देता है। मीरा अंदर कमरे में भयानक तरीके से चिल्लाती है। रोहन शांति का दरवाजा खटखटाता है। शांति दरवाजा खोलती है। शांति दीदी, मीरा को अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो मेरे ऊपर हमला कर रही है। लगता है वो अस्पताल वाले रोड की आत्मा मीरा के शरीर में घुस गई है। मैं अभी फोन करके तांत्रिक को बुलाती हूँ। शांति फोन करती है और तांत्रिक को बुलाती है। कुछ देर बाद तांत्रिक आता है और दरवाजा खोलता है। कौन है तू और इन लोगों को क्यों सता रही है? चुप कर बुड्ढे, कुछ नहीं बताऊंगी मैं तुझे। अगर नहीं बताएगी तो मैं तुझे हनुमान चालीसा पढ़कर भस्म कर दूंगा। मैं अल्पना हूँ, उन डॉक्टर्स ने मुझसे मेरे पति को छीन लिया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, तुम बस मुझे एक मौका दो, मैं उन अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स को सजा दिलवाऊंगा। मेरा भरोसा करो, मैं एक वकील हूँ। जब आज तक मुझे न्याय नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? प्लीज मुझे एक मौका दो खुद को साबित करने का और मेरी पत्नी को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर उन डॉक्टर्स को तुम सजा नहीं दिलवा पाए तो मैं वापस आऊंगी। इतना कहकर आत्मा मीरा के शरीर को छोड़ देती है। रोहन अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ केस लड़ता है और तीनों डॉक्टर्स को फांसी की सजा दिलवाता है। तब आत्मा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मीरगंज में आज मेघना की शादी थी। मेघना के पिताजी सेठ रायचंद बहुत डरे हुए थे। रायचंद के दोस्त राघव गुप्ता रायचंद के घर पहुंचते हैं। अरे रायचंद, ये किस तरह की शादी हो रही है गांव में? बिल्कुल सन्नाटा है, कोई रौनक नहीं है। दोस्त क्या बताऊं, इस गांव में कटे हाथों वाली चुड़ैल का साया है। कटे हाथों वाली चुड़ैल? पिछले कई सालों से जब भी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो वो चुड़ैल गांव में आती है और दुल्हन के हाथ काट कर ले जाती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तुम गांव के लोग इतना डरे हुए हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैं भूतों के बहुत से केस हैंडल कर चुका हूँ। तभी अचानक से मेघना दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पापा जल्दी चलिए, चुड़ैल अपने पैरों से हमारे टॉमी का गला घोट रही है। रायचंद, मिस्टर गुप्ता और मेघना दौड़कर जाते हैं। तब तक चुड़ैल टॉमी को मारकर जा चुकी होती है। तीनों बहुत दूर एक घर में चुड़ैल को घुसते हुए देखते हैं। यहाँ चुड़ैल की एक झलक दिखाई देती है।
रायचंद और गुप्ता चुड़ैल का पीछा करते हुए उस घर में पहुंचते हैं, लेकिन चुड़ैल उस घर के सारे लोगों को भी मार चुकी होती है। घर की फर्श पर सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। कटे हाथों वाली चुड़ैल रायचंद्र और गुप्ता के सामने आती है। आओ मीरचंद के जालिमों, इस गांव में जिस लड़की की भी शादी होगी उसे अपने हाथों की बलि देनी पड़ेगी। आज तुम्हारी लड़की की बारी है रायचंद्र। लेकिन क्यों? तभी अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है और बाहर से मेघना के चीखने की आवाज आती है, पापा बचाओ बचाओ। रायचंद्र और गुप्ता बाहर भागते हैं। जब तक वे दोनों मेघना के पास पहुंचते हैं, चुड़ैल मेघना के दोनों हाथ काटकर ले जा चुकी होती है। रायचंद्र रोने लगता है। मेरी बेटी, वो जालिम चुड़ैल मेरी बेटी के दोनों हाथ ले गई। कोई गांव वाला बचाने नहीं आया। भगवान, ये तूने क्या किया? तभी गुप्ता की नजर धरती पर पड़े एक फटे हुए कपड़े पर पड़ती है। रायचंद, रोना बंद करो। ये देखो, चुड़ैल की साड़ी का कपड़ा लगता है, ये किसी चीज से फंसकर फट गया है। तो अगर किसी चुड़ैल के कपड़े में हनुमान की मूर्ति लपेट कर रख दो तो उसे अपने काबू में किया जा सकता है। तुम अपने घर से एक हनुमान की छोटी मूर्ति ले आओ, हो सकता है तुम्हारी बेटी के हाथ वापस मिल जाए। मिस्टर गुप्ता चुड़ैल के कपड़े में जैसे ही हनुमान की मूर्ति लपेटते हैं, वैसे ही चुड़ैल की रो रो कर चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उस कपड़े से मूर्ति बाहर निकालो। मैं मूर्ति तभी बाहर निकालूंगा जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगी। क्या पूछना चाहता है तू? उन लड़कियों के हाथ क्यों काटती है जिनकी शादी होने वाली होती है? बहुत साल पहले की बात है, मेरे पिता इस गांव के जमींदार का कर्ज नहीं उतार पाए थे, तो जमींदार ने बदले में मेरी शादी वाले दिन ही मेरे पिता को मार दिया और मेरे दोनों हाथ काट दिए। किसी गांव वाले ने ना मुझे बचाया और ना मेरे पिता को। हाथ कटने पर मैंने आत्महत्या कर ली। तब से मैं इस गांव के लोगों से बदला ले रही हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें उसका बहुत अफसोस है। हम गांव वाले उस जमींदार को फांसी की सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इन निर्दोष लोगों को सताना बंद करो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो क्या तुम भी दूसरों के साथ गलत करोगी? इस तरह तो ये दुनिया नरक बन जाएगी। गुप्ता की बात सुनकर चुड़ैल थोड़ी नर्म पड़ जाती है। मैं सभी गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ, मेरी बेटी के हाथ लौटा दो। चुड़ैल रायचंद्र की बेटी के कटे हुए हाथ ठीक कर देती है। गांव वाले मिलकर गांव के जमींदार को फांसी की सजा दिलवाते हैं। फिर चुड़ैल हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है।